नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्या द रीजनिंग गुरु में। आज आप लोगों के लिए जो लेके आया हूँ वो चैप्टर है कैलेंडर। यूपी पुलिस में कैलेंडर का एक आध क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा रहती है, एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है ना, कम आते हैं लेकिन आ जाते हैं। तो आज हम कैलेंडर के क्वेश्चन सीखेंगे, कैसे करते हैं, क्या करना होता है। उसके लिए आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन आने चाहिए, थोड़ी बहुत चीज़ें आनी चाहिए। एक आपसे डेट निकालना पूछता है, कोई भी एक डेट निकालना पूछ लेता है, कोई भी एक डेट दे देगा, पूछ लेगा इस डेट को क्या दिन था। तो मैंने कैलेंडर का पूरा चैप्टर आपको सॉल्व करा रखा है। जिन बच्चों को वीडियो ना मिले वो मुझे मैसेज कर सकते हैं कैलेंडर के बराबर यहाँ पे सामने। सबसे पहले मैं ऊपर अपना व्हाट्सअप नंबर लिख देता हूँ ताकि जो बच्चों को किसी भी चैप्टर में दिक्कत आए वो मुझे ये व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ, आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको लिंक भेज दूंगा उस वीडियो की जहाँ भी आपको दिक्कत आ रही। तो कैलेंडर का पूरा चैप्टर मैंने सॉल्व करा रखा है एक ही वीडियो में, दो ढाई घंटे की वीडियो है जिसमें मैंने कैलेंडर का हर टाइप सिखाया, जितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो सारे क्वेश्चंस की वीडियो मैं आपको भेज दूंगा, आप एक बार देख लेना, क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएंगे। फिलहाल आज हम क्या कर रहे हैं, आज मैं आपको डेट ही निकालने सिखाने वाला हूँ जिससे आपको करने में आसानी हो। तो उसके लिए तीन चार टाइप के जितने क्वेश्चन यूपी पुलिस में आए हैं मैं वो एक एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा, जितने भी आप तक पूछे गए हैं यूपी पुलिस में कैलेंडर के सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं। अब जो टाइप आए हैं वो कराऊंगा, जो नहीं आए वो नहीं कराऊंगा, लेकिन अगर आप वो भी सीखना चाहते हैं आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, उस वीडियो में हर टाइप है। फिलहाल आज हम क्या करेंगे, आज हम वो करेंगे जो यूपी पुलिस में आए हैं, बाकी से मेरा कोई लेना देना भी नहीं है। इस सीरीज में सिर्फ यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ, बाकी नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले डेट निकालना आना चाहिए। अब डेट निकालने के लिए मैं हमेशा तीन कोड बताता हूँ, उन तीन कोड के द्वारा क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। सबसे पहला मैं बताता हूँ डे कोड। डे कोड क्या है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, सात दिन होते हैं और बस आपको कुछ नहीं करना, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात, कुछ करना ही नहीं था। और सात को जीरो भी लिख सकते हैं क्यों, सात ही दिन है, सात को सात से डिवाइड करोगे जीरो बचेगा, तो सात लिखो या जीरो लिखो सैटरडे होता है, बस ध्यान रखिएगा। ये आपका डे कोड है। ऐसे ही एक होता है मंथ कोड। अब मंथ कोड क्या होता है भाई, मंथ कोड कुछ नहीं होता, दो टाइप के आपके ईयर होते हैं आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। एक होता है ऑर्डिनरी ईयर साधारण वर्ष, एक होता है लीप ईयर यानी कि अधिवर्ष जिसे बोलते हैं। 12 महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये आप मंथ के नाम अपने आप लिख लीजिएगा, कन्फ्यूजन ना हो आपको, ये मंथ के नाम है और कुछ नहीं है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा कि सर ने क्या लिख दिया, ये सिर्फ मंथ के नाम है और कुछ भी नहीं है। मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ छोटा सा, आपको समझ में आना चाहिए, बाकी आपको ज़रूरत नहीं है। पूरा कॉन्सेप्ट मैंने करा रखा है वीडियो में जैसे कि मैंने बताया, फिर भी बता रहा हूँ। 14, 40, 250, 36, 146, ये कोड है, मोबाइल नंबर की तरीके से आपको याद रखना है। आप इंग्लिश में, अगर सीबीएसई बोर्ड के तो इंग्लिश में याद कर सकते हैं, यूपी बोर्ड के तो हिंदी में याद कर सकते हैं। लीप ईयर में कुछ नहीं होता, बस जनवरी फरवरी से एक एक माइनस हो जाता है, बाकी सारा सेम रहता है। बस जनवरी फरवरी में से एक एक माइनस होगा, बाकी सारा सेम रहेगा जैसा कि सेम आपको दिख रहा है। तो ये आपका मंथ कोड है। और एक आखिरी होता है ईयर कोड। ईयर कोड क्या है, जब भी कोई सन 1900 से 1999 के बीच होगी, अर्थात इसको शॉर्ट में बोलें कि 19 से शुरू होगी, तो आप टोटल आएगा, एक टोटल में जीरो जोड़ेंगे, एक टोटल आएगा भी, टोटल मतलब टी से मैं डिनोट कर रहा हूँ। कोई भी सन 18 से स्टार्ट होगी, फॉर एग्जांपल 1857, 1849, 1800, कोई भी सन जो 18 से स्टार्ट होगी तो आप टोटल में दो जोड़ेंगे। अगर 17 से स्टार्ट होगी टोटल में चार जोड़ेंगे, और 16 से स्टार्ट होगी टोटल में छः जोड़ेंगे, डॉट डॉट डॉट, यही चलता रहेगा, फिर से जीरो, फिर से दो, फिर से चार, फिर से छः, कितना ही पीछे जाओ जीरो दो चार से, जीरो दो चार से चलता रहेगा। अगर आप आगे जाएंगे 19 से आगे क्या आता है 20, मतलब कोई भी सन अगर 20 से स्टार्ट होगी, 20 से मतलब 2001, 2012, 2023, 2018, कोई भी सन जो 20 से स्टार्ट हो रही है, तो इसी को उल्टा कर दो, ऊपर गए थे तो दो चार छः, नीचे जाएंगे तो छः चार दो, 21 से स्टार्ट होगी तो चार, 22 से स्टार्ट होगी तो दो, और फिर इसके नीचे और जाओगे तो फिर से जीरो, फिर से दो, फिर से छः, फिर से चार, फिर से दो, फिर से जीरो, फिर से छः, फिर से चार, यही बार बार चलता रहेगा। अब इतना कॉन्सेप्ट अगर आपको ये चीज़ याद हो गई, उसके बाद कोई भी डेट निकालना आपके लिए कितना आसान होने वाला है मैं सिखा देता हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं आपको आज की डेट बताता हूँ, फिर जो यूपी पुलिस में क्वेश्चन आया था वो भी करा दूंगा। आज की डेट मान लीजिए, आज क्या है, आज है 17 सितंबर 2023। आपको डेट निकालनी है। सबसे पहले इसका तरीका क्या डेट निकालने का, आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले डेट लिख लें, डेट क्या है 17, आपने लिख लिया 17, खत्म बात। फिर क्या करना है, सितंबर का कोड लिख लेना है, सितंबर का कोड महीने में चेक कर लो, यह है सितंबर, सितंबर का कोड क्या है 6, आपको लिख लेना है 6। फिर क्या लिखना है, डेट लिख लिया, महीने का कोड लिख लिया, अब ईयर, ईयर पूरा नहीं लिखना, बस ईयर की आखिरी की दो संख्याएं लिखनी है, आपने लिख लिया 23, ये क्या है
ईयर की आखिरी की दो संख्याएं। इसके बाद क्या करना, इसके बाद कुछ नहीं करना, जो भी आप यहाँ लिखोगे, जो भी ईयर की आखिरी की दो संख्याएं होंगी उसे आपको चार से भाग करना है। चार से भाग क्यों करते हैं हम लोग, लीप ईयर निकालने के लिए। तो जो भी आखिरी की दो संख्याएं ईयर की उसे किससे भाग करना है, चार से, और जो भी आएगा लिख लेना है। तो 23 को चार से भाग करिए, चार पंजे 20 कितना आ गया, पांच बार गया पांच लिख लिया, जितनी बार जाएगा वो लिख लेंगे, और सबको जोड़ दो। मैंने बताया था टोटल आएगा, तो टोटल आएगा कैसे, जब सबको जोड़ देंगे, जोड़ दो सबको, क्योंकि डेट लिख लिया, मंथ लिख लिया, ईयर की आखिरी की दो संख्या लिख ली और उसको चार से भाग कर दे, लीप ईयर लिख लिया, सबको जोड़ दो, 5, 3, 8, 6, 14, 14 और 7, 21 का एक हासिल लगा, दो 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 चार और एक पाँच कितना आ गया, 51 आ गया बेटा, कितना आ गया 51, ये क्या आ गया टोटल। जैसे ही टोटल आया आपको याद आ गया, सर ने बताया था जब टी आ जाएगा, टोटल आ जाएगा, तो आपको कुछ ऐड करना होगा, कुछ जोड़ना होगा। तो क्या जोड़ेंगे भाई, तो आप देखो मैंने बताया था जब कोई सन 20 से स्टार्ट होती है, तो सन क्या है 2023, अगर 2023 से स्टार्ट किससे हो रही है, 20 से, तो मैंने क्या लिखवाया है, जब भी कोई सन 20 से स्टार्ट होगी क्या जोड़ेंगे, 6, तो आप इसमें क्या जोड़ देंगे, 6, और जैसे ही आप जोड़ेंगे 6 कितना हो जाएगा 57, ये 7 से बड़ा है ना। और मैंने आपको बता रखा है जब भी कोई सन, जब भी कोई, अगर नहीं पता तो याद रखिएगा, कैलेंडर में कोई भी तारीख अगर 7 से बड़ी है आप उसे 7 से डिवाइड कर सकते हैं, तो आपको शॉर्टकट में आंसर मिल जाएगा। तो 57 7 से बड़ा है, 7 से काट दीजिए, 7, 8, 56 कितना बचा, 1 बचा। और नोटिस करिए 1 पर क्या लिखा हुआ है, संडे लिखा हुआ है, तो आपका आंसर क्या हो गया, संडे। और आप सभी जानते हैं आज क्या है, संडे। बात समझ में आ गई आपको क्या करना था आपको, तो आपको कुछ नहीं करना, एक्चुअली कल की वीडियो है, आज 18 तारीख है, मैंने कल बनाई थी तो आपको आज मिल रही है, तो आज कल, आज 18 तारीख है लेकिन 17 तारीख की वीडियो है ये, तो आज आज मंडे है लेकिन कल संडे था, तो कल की तारीख है 17 सितंबर 2023, आप चेक कर सकते हो 17 सितंबर 2023 को क्या दिन था, संडे था, आंसर क्या हो गया, संडे हो गया। तो इस तरीके से आप कोई भी डेट निकाल सकते हैं, क्या करना है, कोई भी तारीख, अब इससे आप कोई भी अपनी डेट ऑफ बर्थ निकालो, पापा मम्मी की शादी निकालो, पहली बार कब मिले थे, पहली बार कहां गए थे, कोई भी डेट कोई भी दिन आप निकाल सकते हो, भाई का बर्थडे, बहन का बर्थडे, मम्मी का बर्थडे, पापा का बर्थडे, सब बर्थडे निकाल डालो, शादी निकाल डालो, हर डेट निकाल सकते हो। बस करना क्या है, सबसे पहले जो भी डेट आप निकाल रहे हो उसकी डेट लिख लेनी है, उसके बाद ये 6 कहाँ से आया, बोले ये जो भी मंथ होगा उसका कोड लिख लेना है, जो कि यहाँ से पता चल जाएगा। उसके बाद ये क्या है, बोले जो भी ईयर है ये उसकी आखिरी की दो संख्याएं हैं, ईयर की लास्ट टू डिजिट है। और ये 5 कैसे आया, बोले ये आपने कुछ नहीं किया, ये जो ईयर की लास्ट टू डिजिट है इसे डिवाइड कर दिया है 4 से, तो कितना आ गया 5, ईयर की लास्ट टू डिजिट को 4 से डिवाइड कर दिया है, तो 23 को 4 से भाग के 4 × 5 = 20 कितना आ गया 5 आ गया। अब फिर क्या करना है, 51 क्या है, ये टोटल है। 6 कैसे आया, तो 6 क्या है, ये लिखा ईयर कोड, 6 क्या है आपका, ईयर कोड है, सब कुछ लिख दे रहा हूँ ताकि कोई डाउट ना रहे। 1 क्या आ गया, 1 बच गया, रिमाइंडर, 7, 8, 56 कितना बचा, 1, और ये क्या आ गया, संडे, कैसे पता, तो ये डे कोड है, ये क्या है, डे कोड है, ये मैंने सब कुछ लिख दिया। इससे अब आप कोई भी कोड निकाल सकते हैं, कोई भी दिन निकाल सकते हैं। इसके साथ ही साथ 3 चीज़ होमवर्क में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो दिन मैं आपको बता देता हूँ और याद भी करा देता हूँ, ये घर से आप निकालना, चेक कर लेना, यही आएगा, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले, हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950, ये बहुत पूछा जाता है। फिर हमारा देश किस दिन आज़ाद हुआ, तो 15 अगस्त 1947, ये भी आपसे पूछा जाता है। और तीसरा, गांधी जी किस दिन पैदा हुए, तो 2 अक्टूबर 1869, ये आपका गांधी जी आ गया। ठीक, अब आपको ये क्या करना है, आपको ये निकाल लेना है, कैसे निकाल लेना है मैं थोड़ा सॉल्व करके बता देता हूँ आपको, डायरेक्टली तरीका ये आपको निकालनी है होमवर्क में कि इनका क्या आएगा, इस तरीके से निकाल के आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सही आया या गलत आया। ट्रिक क्या है, समय छोटा महीना जनवरी, तो आप याद रखना बृहस्पतिवार, उससे बड़ा अगस्त, तो याद रखना शुक्रवार, और उससे बड़ा अक्टूबर, तो याद रखना शनिवार। ये आपका याद रखने वाले कॉन्सेप्ट है, इसे आप डायरेक्टली याद रख लो ताकि आपको सॉल्व ना करना पड़े पेपर में, अगर बाय चांस ये आई, काफ़ी बार पूछे जाते हैं, संविधान किस दिन लागू हुआ, बृहस्पतिवार के दिन, देश किस दिन आज़ाद हुआ, शुक्रवार के दिन, और गांधी जी किस दिन पैदा हुए, शनिवार के दिन। तो बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, क्रम है एक, तो आप क्रम से याद रखोगे तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बिना सॉल्व करे आंसर कर सकती हो, लेकिन ये आपको निकाल के चेक करना है ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये आपका होमवर्क है। अब डेट निकालना मैंने आपको सिखा दिया है, अब जो यूपी पुलिस में क्वेश्चन आया था मैं आपको वो करा देता हूँ। वो क्वेश्चन था, जो डेट पूछी गई थी, 30 जुलाई 2015, क्या पूछी थी, 30 जुलाई 2015, तो वो मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। डेट जो उन्होंने पूछी थी, वो पूछी थी 30 जुलाई 2015, ये यूपी पुलिस में आया था कभी क्वेश्चन, अब ये कब आया था ईयर तो मुझे याद नहीं है, बस आया हुआ क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डेट लिखते हैं, तो आपने क्या लिख दिया, डेट यानी कि 30, तो 30। फिर लिखते हैं मंथ का कोड, ये लिखा हुआ है मंथ का कोड, जुलाई, जुलाई का कोड क्या है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, बोले सर 0, तो हम क्या लिखेंगे, 0। फिर क्या करते हैं, ईयर की लास्ट टू डिजिट लिखते हैं, ईयर की लास्ट टू डिजिट यहाँ पे क्या है, 15, तो आप क्या लिखेंगे, 15।
फिर क्या करते हैं, पाँच कैसे आया था, बोले सर यहाँ जो भी था उसको चार से डिवाइड कर दिया था, तो यहाँ कितना है 15 को चार से भाग करेंगे, चार तियाँ 12, क्योंकि 4 चौक 16 होता है, वो तो कट गए, 4 तियाँ 12 कितनी बार गया, 3 बार लिख दिया। क्या करते हैं सबको जोड़ देते हैं, तो 5 3 8 का 8 ही रह गया और 3 और 1 4 का 4 ही रह गया, टोटल कितना आ गया 48 टोटल आ गया। जब टोटल आ गया तो क्या करते हैं, टोटल में जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं ईयर कोड, ईयर किससे स्टार्ट है 20 से, और 20 से स्टार्ट है क्या जोड़ देंगे 6, तो आप भी क्या छोड़ देंगे 6, 48 में आपने 6 जोड़ दिए, 48 और 6 कितना होता है सबको पता है, 48 और 6 होता है 54, ये 7 से बड़ा है तो किससे भाग कर देंगे 7 से, 7 से भाग कर देते, 7 7 49 कितना बचा 5, 5 और 5 पे आप डे कोड चेक कर लेंगे, 5 पे कौन सा दिन होता है बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे, तो आपका आंसर क्या हो गया थर्सडे, यानी कि 30 जुलाई 2015 को जो दिन था वो क्या था थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार। और ये आप चेक कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं अपने कैलेंडर में डेट डाल के, क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत। तो ये था दिन निकालने का तरीका जो मैंने आपको सिखा दिया है। अब कुछ और क्वेश्चंस हैं जो आपको सीखने हैं, करने हैं, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करने होते हैं। तो कुछ डेट बदलने के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, कुछ मंथ बदलने के भी, कुछ ईयर बदलने के भी, मैं धीरे धीरे आपको तीनों टाइप के क्वेश्चंस करा देता हूं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे, कोई भी संभावना, कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी, इसमें मेरे ख्याल से डेट निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले डेट, फिर मंथ का जो भी मंथ दिया होगा उसका कोड, फिर ईयर की आखिरी की 2 संख्याएं, फिर इसको 4 से भाग कर देंगे, जो भी आएगा लिख देंगे, सबको जोड़ देंगे, टोटल आ गया, जब टोटल आ जाएगा ईयर कोड जोड़ देंगे यहां से और फिर 7 से भाग कर देंगे, जो बचेगा वो दिन आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना होता है, क्लियर। हमने 2000 वाले करे हैं, एक क्वेश्चन आपको डाउट ना रहे इसलिए मैं एक 1900 वाला और एक 1800 वाला और करा देता हूं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए, इसमें कोई संदेह ना रहे। अगर दिन चल जाए 26 जनवरी 1950, आपके लिए दो ही रहने देता हूँ, ये मैं ही बता देता हूँ। तो सबसे पहले 26 जनवरी 1950 का क्या लिखेंगे 26, जनवरी का कोड क्या लिखेंगे 1, 50 का 50, 4 से भाग करेंगे 12, सबको जोड़ देंगे 6 1 7 और 2 9, 5 2 7 और 1 8 कितना आ गया 89, सन किससे स्टार्ट है 19 से, 19 से स्टार्ट होती है क्या जोड़ते हैं 0, क्या जोड़ेंगे 0, फिर से कितना आ जाएगा 89, 7 से बड़ा है 7 से काट देंगे, 7 ही कम 7 एक बचा, 7 2 14 5 बचा, दिन क्या आ गया बृहस्पतिवार, देखिए बृहस्पतिवार लिखा हुआ है, 5 पे क्या होता है बृहस्पतिवार होता है, आगे आंसर। ये है आपका 1900 को निकालने तरीका, बस 1900 में क्या हुआ 0 जोड़ा, बाकी सब कॉन्सेप्ट सेम है, यहाँ 20 से स्टार्ट था तो 6 जोड़ रहे थे, 19 से स्टार्ट है तो 0 जोड़ो, 18 से स्टार्ट होगा तो क्या जोड़ेंगे 2, तो बस इस तरीके से आप कोई भी डेट निकाल सकते हैं, डेट निकालना मैंने सिखा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाते हैं अपना, ये तो हम सीख गए। अब आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया जाता है डेट बदलने वाला, तो उसके लिए क्या करना होता है, आपको एक तारीख दे देता है, दूसरी तारीख पूछ लेता है, फॉर एग्जांपल वो आपको दे देगा कि 2 मार्च को संडे है, तो बताइए 29 मार्च को क्या होगा, 2 मार्च को संडे है तो बताइए 29 मार्च को क्या होगा, मार्च की जगह आप अप्रैल लिख लो, मई लिख लो, जून लिख लो, महीना बदल देगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तरीका क्या है, एक ही क्वेश्चन समझा रहा हूँ लेकिन आपकी समझ में आएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको कुछ नहीं करना, आपने यहाँ देखा 1 2 3 4 5 6 7 में सैटरडे आया, अगला संडे कौन सी तारीख को आएगा, बोले सर 8 को आएगा, आएगा तो 1 में क्या जोड़ने पर आया 7 जोड़ने पर आया, अगला मंडे कब आएगा, बोले सर 9 में आएगा, 2 में क्या जोड़ने पर आया 7 जोड़ने पर आया। तो आप मेरी एक बात ध्यान रखिएगा, दिमाग में बसा लीजिएगा, जब कभी भी आप किसी भी तारीख में 7 जोड़ देते हैं आपका दिन क्या हो जाता है रिपीट हो जाता है। तो आप बस शॉर्टकट याद रखिए डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ हम कॉन्सेप्ट नहीं सीख रहे, कॉन्सेप्ट आपको वीडियो अलग पड़ी हुई है, ये मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ, है ना। वीडियो अगर देखनी है, कॉन्सेप्ट नहीं आता है, तो आप पूरी वीडियो देखिए, मुझे व्हाट्सअप करिएगा, मैं आपको वो वीडियो भेज दूंगा जिससे आप सीख पाएंगे चैप्टर और अच्छे से पूरे लेक्चर ले पाएंगे, और फिर आप ये क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएंगे। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की ताकि अगर आप ये भी देख रहे हैं तो इससे भी समझ में आए, लेकिन थोड़ा सा स्पीड लगेगी आपको जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, तो वो एक बार पहले वो वीडियो देख लेना, फिर आपको स्पीड नहीं लगेगी, क्योंकि अगर मैं दोबारा से वही सब समझाऊंगा तो फिर आप लोग कहोगे कि सर ये तो आता है हमें, क्यों आप इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो, इसलिए मैं क्वेश्चन पर ध्यान दे रहा हूँ। तो आप बस इतना सा ध्यान रखो, आप किसी भी तारीख में 7 14 21 28, मतलब आप किसी भी तारीख में 7 के पहाड़े की कोई भी संख्या जोड़ देते हैं तो दोबारा से वही दिन आ जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। किसी भी तारीख में 7 के पहाड़े की कोई भी संख्या आप जोड़ो दोबारा से वही दिन आ जाएगा, हमेशा। आप चाहो तो कैलेंडर आपके पास होगा, आप चेक कर लो, फॉर एग्जांपल 1 तारीख को संडे है तो आप 7 जोड़ोगे 8 तारीख को भी संडे, 14 जोड़ोगे 15 तारीख को भी संडे, 21 जोड़ोगे 22 तारीख को भी संडे, और 1 में 28 जोड़ोगे 29 तारीख को भी संडे। तो आप कुछ भी जोड़ो 7 के पहाड़े की संख्या, दिन क्या हो जाएगा बार बार रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ देखो 2 तारीख को संडे दिया था, 29 को पूछा था, आपको क्या करना है, आपको दिमाग में सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, आपको बस ये सोचना है कि 2 में मैं इन चारों में से क्या जोड़ूँ जो
29 के आसपास पहुंच जाऊं, तो आपको पता है 2 में 7 जोड़ूंगा 9, बहुत पीछे रह गया, 14 जोड़ूंगा 16 पीछे रह गया, 21 जोड़ूंगा 23 पीछे रह गया, तो मैं क्या जोड़ूंगा 28 आसपास पहुंच जाऊंगा। क्योंकि अगर मैं 2 में 28 जोड़ूंगा, तारीख क्या आ गई 30, ये 29 के आसपास है, तो 2 तारीख को क्या था संडे, 28 जोड़ा तो 30 को भी क्या हो जाएगा संडे हो जाएगा बेटा। और अगर 30 तारीख को संडे है तो आप मुझे बताओ 29 तारीख को क्या हो जाएगा, बोले फिर 30 को संडे है तो 29 को हो जाएगा सैटरडे, आपका आंसर क्या हो गया सैटरडे। बात समझ में आई? इसी क्वेश्चन को उल्टा कैसे दे सकता है वो बड़ी तारीख दे देगा छोटी पूछ लेगा। फॉर एग्जाम्पल वो दे देगा 31 अगस्त दिन है मंडे, वो पूछ लेगा बताइए 5 अगस्त को क्या हो दिनों को, तो अब 31 से 5 में जाना है, कॉन्सेप्ट क्या है कुछ नहीं, पीछे जा रहे ना, तो आपको अब प्लस की जगह माइनस करना, क्या माइनस करना है इन चारों में से कोई, हमेशा 7 के पहाड़े की कोई भी संख्या माइनस कर दो दिन रिपीट हो जाएगा। अब क्या माइनस करें, क्या 7 माइनस करने से मैं 5 तक पहुंचूंगा, बोले नहीं, 14 करने से नहीं, 21 करने से नहीं, 28 माइनस करने से पहुंच जाऊंगा, तो मैं 31 में से क्या माइनस करूंगा 28, तारीख क्या आएगी 3, 31 तारीख को मंडे, तो 3 तारीख को भी क्या हो गया बेटा मंडे, और अगर 3 तारीख को मंडे है तो 4 को क्या हो जाएगा ट्यूसडे, तो 5 को क्या हो जाएगा वेडनेसडे, मेरा आंसर क्या हो गया वेंसडे, एक्चुअली डी साइलेंट होता है तो वेंसडे, आंसर क्या हो जाएगा वेंसडे। तो आपको सिंपल सी बात है, सिंपल सा समझना है क्या, कि जब कभी भी एक तारीख देगा और दूसरी तारीख पूछेगा, अगर छोटे से बड़े में जा रहे हो तो 7 का टेबल ऐड करना है, बड़े से छोटे में जा रहे हो तो 7 का टेबल माइनस करना है, किसी भी संख्या में से 7 का टेबल प्लस करोगे तो वही दिन आएगा, 7 का टेबल माइनस करोगे तो वही दिन आएगा, उसके आसपास पहुंच जाओ और फिर उससे अंदाजा लगा लो कि 31 में से 28 माइनस किया 3 पे पहुंच गए, 31 को मंडे 3 को भी क्या हो गया मंडे, तारीख कौन सी पूछी थी 5, तो अगर 3 को मंडे है तो 4 को ट्यूसडे और 5 को वेंसडे, आंसर क्या हो गया वेंसडे। किसी बच्चे को कोई दिक्कत रह जाए मैंने बोला नंबर है, आप मुझे मैसेज करना, बस उसको दोबारा से समझाने का काम मेरा है, मैं वीडियो पे समझाऊं, मैसेज से समझाऊं, रिकॉर्डिंग से समझाऊं या कोई वीडियो की लिंक भेजूं आपको, वो मेरी हेडक, आपको समझाना मेरा काम है, आप बस ये वीडियो देखो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, बाकी कुछ मत करो, बाकी सिर्फ मुझे मैसेज करो कैसे समझाना है, अगर इस वीडियो में समझ में नहीं आ रहा तो कैसे समझाना है मुझे छोड़ दो, बस मैसेज करना, अगर समझ में ना आए कोई भी क्वेश्चन मैं उसको पर्सनली आपको रिपीट कर दूंगा, क्लियर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन कैसे करना है, तो उसके लिए ये थोड़ा मुझे रफ करना पड़ेगा, थोड़ी जगह बनाते हैं, तो डेट बदलना हम लोग सीख गए हैं, अब जो हम करेंगे बेटा वो हम करेंगे मंथ बदलेंगे, मतलब क्योंकि मंथ बदलने के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं जितना मैंने देखा है, तो डेट बदलना तो हम सीख गए, अब मंथ कैसे चेंज करते हैं मैं आपको वो सिखाता हूँ, हल्का सा कॉन्सेप्ट है, फिर मैं शुरू करता हूँ आपके क्वेश्चन जो आए हुए हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं पहले, मंथ और ईयर और समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो डेट के बाद मंथ बदलना, देखिए उसने सपोज करिए आपसे बोला 29 मार्च, एक्चुअली 29 मार्च मेरा बर्थडे है तो बार बार 29 मार्च ही लिखता रहता हूँ मैं, तो 29 मार्च को संडे है, और सपोज करिए आपसे उसने पूछ लिया 3 अप्रैल को क्या होगा, मैं हमेशा यही कराता हूँ चाहे क्लास में हूँ चाहे वीडियो बना रहा हूँ कुछ भी कर रहा हूँ, मुझे ये पसंद है कराना, तो 29 मार्च को संडे है 3 अप्रैल को पूछा, तरीका क्या है सर 29 मार्च से 3 अप्रैल तक जाना है, तो 29 मार्च का क्या है 30 अप्रैल, एक 30 मार्च, 31 मार्च, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, कितने दिन आ गए 5 दिन, 29 मार्च का 30 मार्च आएगी, फिर 31 मार्च, फिर 1 अप्रैल, फिर 2 अप्रैल, फिर 3 अप्रैल, तो कितने दिन आगे जाना है 5 दिन, तो संडे दे रखा है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, आंसर क्या आ गया फ्राइडे, लेकिन ऐसे करने का समय नहीं होगा तो आप शॉर्टकट समझो, जो भी पहला महीना दिया होता है उसमें जितने दिन बचे हैं आपको वो लिखने होते हैं, तो 29 मार्च है, मार्च में कितने दिन बचे 2, तो आप क्या लिख लोगे 2, खत्म हो गई बात, और जो भी महीना पूछा जाता है तो अप्रैल तक जाना है आपको, मार्च के बाद अप्रैल ही आता है, अप्रैल तक पहुंच गए, लेकिन इसमें आप क्या 5 तक जाओगे नहीं, जब मुझे 3 तारीख पूछी तो 3 के आगे कितने ही दिन बचे उससे मुझे को लेना देना नहीं है, जो तारीख पूछी जाती है मैं सिर्फ वो लिखता हूं, तो 3 पूछी गई 3 तक जाऊंगा, 2 और 3 कितना हो गया 5, 5 दिन आगे चले जाओ, संडे से 5 दिन आगे जाओ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, मेरा आंसर क्या आ गया फ्राइडे, ये आपका कॉन्सेप्ट है, याद क्या रखना है, पहला महीना जो दिया जाता है उसमें जितने दिन बचे हैं वो लिखने होते हैं, आखिरी महीना जो पूछा जाता है उसमें जो तारीख लिखी है सिर्फ वहां तक जाते हैं, बस इतनी बात ध्यान रखना, बाकी काम आसान है, कैसे तो शुरुआत करते हैं सबसे ज्यादा आने वाले क्वेश्चन से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि 26 जनवरी को संडे है तो 15 अगस्त को क्या होगा, पहला क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना, मैंने क्या बताया पहले महीने में जो दिया होता है उसमें जितने दिन बचते हैं वो लिखते हैं, तो 26 जनवरी है, जनवरी में कितने दिन बचेंगे आपको पता है 31 का महीना होता है बचेंगे 5, जिन लोगों को नहीं पता, जिन लोगों को नहीं पता वो याद रखिएगा, एक छोटी सी ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक है साजन, एक मूवी का नाम है, सा से सितंबर, आ से अप्रैल, जा से जून,
और ना से नवंबर। याद रखिएगा ये जो चार महीने मैंने लिखे हैं ये चार महीने आपके 30 दिन के होते हैं और इनके अलावा जितने भी महीने बच गए वो 31 दिन के होते हैं, फरवरी को छोड़ के। फरवरी के बारे में सबको क्लियर है। दूसरी चीज़ आपको याद रखना है, कभी भी आपको मैंने बताया अभी कि आप 28 दिन बाद दिन 7 दिन बाद दिन रिपीट होता है, 14 दिन बाद दिन रिपीट होता है, 21 दिन बाद दिन रिपीट होता है, 28 दिन बाद दिन रिपीट होता है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई भी महीना अगर 28 का है तो आप 28 नहीं, 7 × 28 कितना बचा, 0, आप 0 लिखो, बात एक ही है। कोई भी महीना 29 का होगा 7 × 28 एक बचा, आप 1 लिखेंगे। कोई भी महीना 30 का होगा 7 × 28 आप 2 लिखेंगे, और 31 का होगा 7 × 28 3 बचा, आप 3 लिखेंगे। तो अगर साजन में से कोई महीना आ रहा होगा तो आप 2 लिखना 30 की जगह, और अगर कोई महीना 31 का होगा साजन के अलावा होगा तो आप 3 लिखेंगे। ये शॉर्टकट है, आप 30 31 लिखोगे तो भी सेम आंसर आएगा, लेकिन वो लिखने का टाइम नहीं है। तो याद रखिएगा 30 का महीना होगा 2 लिखना है, 31 का महीना होगा 3 लिखना है, इस बात को दिमाग में बसा लेना। आइए बोलते 26 जनवरी को संडे, 15 अगस्त को पूछा है, तो 26 जनवरी है, जनवरी में कितने दिन बचे, बोले सर 5। अगला महीना क्या आएगा, फरवरी का। यहाँ ईयर तो मैंने दिया नहीं है, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ईयर नहीं दिया तो 29 माने या 28। ध्यान रखिएगा अगर कभी भी ईयर नहीं दिया तो आप उसे साधारण वर्ष मान के चलेंगे, और साधारण वर्ष में जो फरवरी होती है वो 28 की होती है, तो हम क्या लिखेंगे फरवरी का, 0। अगला महीना क्या आएगा, मार्च का। मार्च का महीना 31 का होता है, देखो साजन में नहीं आ रहा, 31 का महीना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, 3 मैंने बताया तो मैंने 3 लिख दिया। मार्च के बाद क्या आएगा बेटा, अप्रैल आएगा। अप्रैल का महीना 30 का होता है, देखो साजन में आ रहा है तो मैं क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा। अप्रैल के बाद मई आएगा, साजन में नहीं आ रहा तो फिर से 3। मई के बाद जून आएगा, साजन में आ रहा है तो फिर से 2। जून के बाद जुलाई आएगा, साजन में नहीं आ रहा तो 3। और जुलाई के बाद अगस्त आएगा, और अगस्ती महीना पूछा है, और मैंने क्या बताया था, जो महीना पूछा जाता है उसकी जो तारीख दी गई है सिर्फ वहां तक जाता है। तो इसमें कौन सी तारीख दी गई है, 15, तो 15 तक जाऊंगा। तो दो तरीके हैं, तो 15 ही लिख लूँ, लेकिन 15 भी 7 से बड़ा है ना, और मैंने आपको बता रखा है कैलेंडर में कोई भी तारीख 7 से बड़ी होती है 7 से काट देते हैं। तो 7 × 14 बचा कितना, 1। तो ये क्या था, ये जनवरी था, ये फरवरी था, ये मार्च था, ये अप्रैल था, ये मई था, ये जून, ये जुलाई और ये अगस्त। आपको लिखने की जरूरत नहीं, मैंने शॉर्टकट में बता दिया। अब क्या करना है, जब आप सब लिख लेंगे अगस्त तक पहुंच गए आप, आपको क्या करना है, जितने 7 बन रहे हो काट देने, या तो इन्हें जोड़ लो, एक तरीका है इन्हें जोड़ लो, लेकिन जोड़ने से आसान तरीका बता रहा हूँ कि इन्हें काट दो, क्योंकि 7 बनता है तो दे रिपीट हो जाता है। तो आप देखो काटेंगे कैसे, 5 ये था और 2 ये था, 5 और 2 कितना हो गया, 7, खत्म हो गया, इसको भूल जाओ आप, क्योंकि 7 कट गया तो इससे कोई लेना देना आपका नहीं है। और कोई 7 बनना उसे भी काट दो। देखो 3 ये है, 3 ये है, 6 और 1 ये है, 7, तो 3 3 6 और 1 7 ये भी काट दो। बचा कितना, बोले 2 ये बचा, 3 ये बचा, 2 और 3 कितना होता है बेटा, 5 होता है। तो बस कुछ नहीं करना, आपको 5 दिन आगे चले जाना। तो संडे से 5 दिन आगे जाओ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, आपका आंसर क्या हो गया, फ्राइडे। ये है आपका मंथ बदलने का तरीका। क्या करना होता है, पहले महीने में जितने दिन बचे वो लिख लो, 26 जनवरी था 5 दिन बचे मैंने लिख लिए। अगला महीना फरवरी का आया, 28 का होता है तो मैंने बताया क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। इससे अगला महीना मार्च का होता है, 31 का होता है तो 7 से भाग करो 31 को, 7 × 28 कितना बचा, 3, तो मैं 3 लिखूंगा। अगला महीना अप्रैल का 30 का होता है तो मैंने क्या लिखा, 2। अगला महीना मई का 31 का होता है तो 3। जून का 30 का होता है तो 2। जुलाई 31 का होता है, 3। और अगस्त का महीना पूछा गया था, उसमें कौन सी तारीख तक जाना था, 15 तक, तो सिर्फ 15 से मतलब है, तो 15 को 7 से भाग कर दो, 7 × 14 कितना बचा, 1 लिख दिया। आप क्या करना है, जितने 7 बनने हो काट दो, तो 5 और 2 7 कैंसिल, 3 3 6 और 1 7 कैंसिल, बचा कितना, 3 और 2 5, 5 दिन आगे चले गए, आंसर आ गया आपका फ्राइडे। बात हो गई खत्म, ये सीख गए मंथ बदलना। एक आखिरी चीज बची, ईयर बदलना। जल्दी से वर्ड सीखते हैं ताकि मैं आपको क्वेश्चंस करा सकूं प्रीवियस ईयर के। तो ईयर बदलने के लिए क्या करना है, तो ध्यान रखिएगा एक सिंपल ईयर में होते हैं 365 दिन और एक लीप ईयर में होते हैं 366 दिन। और मैंने अभी आपको बताया 7 से बढ़ाओ 7 से काटो, इसे 7 से काटोगे तो 7 × 5 = 35, 7 × 2 = 14 कितना बचा, 1। और इसे 7 से काटोगे तो 7 × 5 = 35, 7 × 2 = 14 कितना बचा, 2। यहीं से आपका आंसर है। क्या याद रखिएगा, सिंपल ईयर में 1 बच रहा है ना, तो जब भी किसी सिंपल ईयर से अगले ईयर में जाओगे तो 1 जोड़ोगे, और लीप ईयर में 2 बच रहा है ना, जब भी लीप ईयर से आगे जाओगे 2 जोड़ोगे। कैसे मैं बता देता हूँ, सपोज करिए क्वेश्चन दिया 1 जनवरी 1998 दिन है संडे, और मैंने आपसे पूछा 1 जनवरी 1999 दिन क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, डेट सेम है, मंथ सेम है, ईयर चेंज हुआ है ना, कितने साल आगे गए हो, 1 साल, और ये कैसा ईयर है, सिंपल ईयर। कैसे पता बेटा, जिनको नहीं आता निकालना ध्यान रखिएगा, आखिरी की 2 संख्याओं को 4 से भाग करो, क्योंकि लीप ईयर 4 साल बाद आता है, अगर 4 से कट जाएगा तो लीप ईयर है, वरना लीप ईयर नहीं है। तो काट के देखो, 4 × 2 = 8, 1 बचा 18 हो गया, 4 × 16 क्या 18 के बारे में आता है, नहीं, तो ये नहीं कटा, नहीं कटा मतलब कैसा ईयर है, सिंपल ईयर। अगर कट जाता तो कैसा ईयर हो जाता, लीप ईयर।
तो अगर लीप ईयर होता हम दो जोड़ते, सिंपल ये तो हम क्या जोड़ेंगे, एक, तो बस एक दिन जोड़ दो बेटा, तो संडे में एक दिन जोड़ देंगे, आंसर क्या हो जाएगा मेरा, मंडे। या फिर मैंने क्वेश्चन बोला 26 जनवरी 2000, दिन है संडे, और मैंने पूछा 26 जनवरी 2001 दिन क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, कैसे ही अरे ये बेटा लीप ईयर है, कैसे ही अरे लीप ईयर, देखो आखिरी की दो संख्या जीरो से कट रहे हैं, तो 2000 कैसे ही अरे लीप ईयर, ठीक, या 2004 लिख दो चलो, क्योंकि याद रखना एंड में दो जीरो होते हैं तो हम 400 से भाग करते हैं, तो 400 से कट रहा है, ये ध्यान रखने वाली बात है, अगर दो संख्याएं हैं तो 4 से भाग करेंगे, एंड में दो जीरो हैं तो 400 से भाग करेंगे, 400 से कटेगी तो लीप ईयर है, वरना लीप ईयर नहीं है, तो ये 400 से कट रही है, लीप ईयर है, लेकिन मैं आपको 2004 लिख देता हूं समझाने के लिए। तो देखो 4 से कट रहा है, बोले हाँ कट रहा है, तो कैसा ईयर है लीप ईयर, और मैंने बताया लीप ईयर होगा 4 से कटेगा तो हम क्या जोड़ेंगे, दो जोड़ेंगे, तो हम क्या जोड़ देंगे, दो, क्योंकि एक आगे गई हो, तो 4 से किस में गए हो आप, 5 में, तो बेटा दो दिन जोड़ दो, संडे पे दो दिन आगे जाओ, मंडे ट्यूसडे, आंसर क्या आ गया, ट्यूसडे। तो जब कभी भी हम लीप ईयर से आगे जाते हैं दो दिन जोड़ते हैं, सिंपल ईयर से आगे जाते हैं एक दिन जोड़ते हैं, क्लियर, ये बात याद रहेगी। अब इतना कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए हैं तो टाइम वेस्ट नहीं करते और क्वेश्चन आपके स्टार्ट करते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक। वीडियो आज की थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो जाएगी लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता, हमें क्वेश्चन करना था, हमें आना चाहिए था, तो मैं आपको बता रहा हूँ। अब क्वेश्चन आपका एक है, क्वेश्चन दिया गया इसी में का क्वेश्चन है, आप बताना करके, आप ही लोग बताएंगे। 31 अक्टूबर 2014 दिन था मंगलवार, आपसे पूछा है 31 अक्टूबर 2015 दिन क्या होगा। तो देखो डेट सेम मंथ सेम कोई मतलब नहीं, कितने साल आगे जा रहे हो, एक साल आगे जा रहे हो, कैसा ही आ रही है, बोले सर आखिरी की दो संख्याओं को 4 से काटो, 4 3 12, क्या 4 से कटा, बोले नहीं कटा, नहीं कटा तो कैसा ईयर है, सिंपल ईयर, और सिंपल ईयर होता तो कितने दिन जोड़ते हैं, एक दिन, तो आप क्या करोगे, एक दिन जोड़ दोगे, और मंगलवार में एक दिन जोड़ दिया, आंसर क्या आ गया, बुधवार, मेरा आंसर क्या हो गया, बुधवार। बात समझ में आ गई, बस ये करना था आपको, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना, नहीं होनी चाहिए दिक्कत। अब बढ़ते हैं बेटा आगे, अब थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन है लेकिन आपको करने वो भी आने चाहिए, तो आप ध्यान से समझते हैं, इसको हम भूलते हैं, आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे इसका यूज़ होता रहेगा। अगला क्वेश्चन जो उन्होंने बोला है वो बोला है, यदि किसी महीने का चौथा दिन रविवार है, क्वेश्चन आप जो दिखेंगे क्योंकि अब आए हुए क्वेश्चन है, मैं साइड में दिखा दूंगा आपको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपसे बोला यदि किसी महीने का चौथा दिन रविवार है, तो मैंने लिख लिया 4 तारीख को उन्होंने क्या बोला, रविवार, यदि किसी महीने का चौथा दिन रविवार है तो आपसे पूछा तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उसी महीने के 30वें दिन के पहले का छठा दिन होगा। मतलब 4 तारीख को संडे बोला है, आपसे बोला है कौन सा दिन उसी महीने के 30वें दिन के पहले का छठा दिन, तो 30 से 6 दिन पीछे जाओ, 30 से 6 दिन पीछे मतलब 24 तारीख, ये पूछा है। तो 4 तारीख को संडे दिया है बेटा, 24 तारीख को पूछा है, मैंने अभी करना सिखाया था सबसे पहले कि हम डेट कैसे बदलते हैं, तो डेट के लिए मैंने क्या बताया था, छोटी तारीख से बड़ी तारीख में जाओगे तो 7 का पहाड़ा जोड़ो। अब मुझे बताओ 24 तक जोड़ना है तो 4 में क्या जोड़ूंगा, 7 जोड़ने से नहीं पहुंचूंगा, 14 जोड़ने 14 4 18 पीछे रह जाऊंगा, 21 जोड़ूंगा 21 4 25, देखो 24 के आसपास पहुंच गया। तो जैसे ही 4 में मैंने 21 जोड़ा, तारीख क्या आ गई, 25, 4 तारीख को संडे है तो 25 को भी क्या हो गया, संडे, और बेटा 25 को संडे है तो 24 को क्या हो जाएगा, सैटरडे, मेरा आंसर क्या हो गया, सैटरडे। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था यदि किसी महीने का चौथा दिन रविवार है, बोले ठीक है, तो उसी महीने के 30वें दिन से पहले का छठा दिन, 30वें दिन के पहले का छठा दिन, 30 से 6 दिन पीछे जाना है, तो 30 से 6 दिन पीछे कौन सी तारीख आएगी, 24, यानी कि 24 तारीख को पूछा है, तो 4 को संडे है, 24 को पूछा है, तो मैंने क्या किया, बोले 4 में 7 का पहाड़ा जोड़ा, क्या जोड़ा, 21, 4 में 21 जोड़ा, तारीख क्या आ गई, 25, 4 को संडे तो 25 को भी क्या हो गया, संडे, और 25 को संडे तो 24 को क्या हो जाएगा, सैटरडे, आपका आंसर क्या हो गया, सैटरडे। क्वेश्चन साइड में दिख रहा है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन जो यूपी पुलिस में आया था, ये प्रथम पाली में आया था 2019 का जो पेपर हुआ था यूपी पुलिस का, उसकी फर्स्ट मीटिंग में आया हुआ क्वेश्चन था ये वाला जो मैंने आपको अभी कराया है, और अब जो करा रहा हूँ वो उसी पेपर में 2019 में ही सेकंड शिफ्ट में आया था। क्वेश्चन था कि यदि किसी महीने का तीसरा दिन सोमवार है, 3 तारीख को क्या बोला, ये पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन, 3 तारीख को सोमवार है, तीसरा दिन सोमवार है, तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उसी महीने के 21वें दिन के पहले का चौथा दिन होगा। 21वें दिन के पहले कितने जाना है, 4 दिन, तो 20, 19, 18, 17, यानी कि 17 तारीख पूछ रहा है, 21वें दिन के पहले का चौथा दिन, यानी कि 17 तारीख उसने पूछी है, तो 3 तारीख को मंडे दिया है, 17 उसने आपसे पूछा है, तो मैंने क्या तरीका बताया था बेटा, 7 का पहाड़ा जोड़ो, अभी जोड़ा है मैंने, है ना। तो अब मुझे बताइए 3 में 7 के पहाड़े की कौन सी संख्या जोड़ूं, देखो 21 जोड़ूंगा तो बहुत आगे चले जाऊंगा, तो 21 तो जोड़ूंगा नहीं, 7 जोड़ने से पीछे रह रहा हूं, तो मैं क्या जोड़ूंगा, 14, 3 में मैंने क्या जोड़ा, 14, तारीख क्या आ गई, 17, 3 तारीख को मंडे, तो 17 को भी क्या हो जाएगा, मंडे, कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरा आंसर क्या आ गया, मंडे, खत्म हो गई बात। सेकंड पाली का क्वेश्चन था, मैंने सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया, जब भी छोटी से बड़ी तारीख में जाना है 7 का पहाड़ा जोड़ दो, सेम दिन आ जाएगा, आसपास पहुंच जाओ, यहां तो वही तारीख आ गई तो बात ही खत्म हो गई, 3 को मंडे,
तो 3 में 14 जोड़ा 17 को भी क्या हो गया, मंडे। मेरा आंसर क्या हो गया, मंडे। क्लियर हो गई बात। अगला क्वेश्चन, अगले दिन 2019 में, 27 तारीख का था, अब 28 तारीख में क्वेश्चन आया था कैलेंडर का। 2019 में क्वेश्चन कैलेंडर के पूछे गए थे, इसमें के क्या पूछा था, अगली पाली में प्रथम पाली का क्वेश्चन है कि यदि किसी महीने का चौथा दिन शुक्रवार है, चौथा दिन क्या दिया है उन्होंने, शुक्रवार दिया है, फ्राइडे दिया है, तो बोला है निम्नलिखित में से कौन सा दिन उसी महीने के 25वें दिन के बाद का तीसरा दिन है। 25वें दिन के बाद तीसरा, तो कौन, 26, 27, 28, 25 के 3 दिन बाद क्या तारीख आएगी, 28। तो 4 तारीख को फ्राइडे दिया है, 28 तारीख को आपसे पूछा है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट है जो चलता आ रहा है। मुझे बताओ 4 से 28 में जोड़ना है, 7 जोड़ने से पाचूंगा, बोले नहीं, 14 जोड़ने से नहीं, 21 जोड़ने से हाँ, 21 और 4 कितना होता है 25, 28 के आसपास पहुंच गए। तो 4 में आप जोड़ दोगे 21, तारीख क्या आ गई 25, 4 तारीख को शुक्रवार, तो 25 को भी क्या हो गया, शुक्रवार। मुझे कौन सी पूछी है 28, तो 26, 27, 28 कितने दिन आगे जाना है, 3 दिन, तो मैं शुक्रवार से कितने दिन आगे जाऊंगा, 3 दिन, तो शनिवार, इतवार, सोमवार, मेरा आंसर क्या हो गया, सोमवार। ये हो गया तीसरा क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको पहले ही डेट निकालना सिखा दिया, तो लैंग्वेज बदल जाएगी, उससे आपको फर्क नहीं पड़ता, जो सिखा दिया उस पर फोकस करना। जब भी किसी तारीख से बड़ी तारीख में जाना होगा तो 7 का पहाड़ा जोड़ना है, आसपास पहुंच जाना है, आगे पीछे करके चेक कर लेना है। क्लियर हो गई बात। चौथा क्वेश्चन, थोड़ी स्पीड देने लग रही हो बेटा, थोड़ा सा लगेगी क्योंकि ऑलरेडी वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन मैं सारे क्वेश्चन कराना चाह रहा हूँ। प्लीज़ आप मुझे मैसेज करना, मैं वीडियो के लिंक भेजूंगा, पहले सीख लेना, फिर इस पर आना, तो आपको ये बहुत आसान लगेगा और स्पीड नहीं लगेगी, है ना, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, अगर स्पीड लगे तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर देना, बेहिचक किसी भी टाइम मैसेज कर सकते हो। आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथे क्वेश्चन में क्या बोला है, चौथे क्वेश्चन में बोला है यदि किसी महीने का 5वां दिन बुधवार है, 5 तारीख को क्या बोला, बुधवार है, आपसे बोला तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उसी महीने के 20वें दिन के बाद का दूसरा दिन होगा, 20 के 2 दिन बाद, 21, 22, यानी कि 22 तारीख पूछ रहा है। फिर वही वाली बात, 5 से 22 में जाना है, क्या जोड़ने पे जाएंगे बेटा, 7 जोड़ने से नहीं, 14 जोड़ने से हाँ, 19, पहुंच जाएंगे 22 के आसपास ये, तो 5 में आप जोड़ देंगे 14, क्या तारीख आ गई, 19, 7 का पहाड़ा ही जोड़ना है, हमेशा ध्यान रखना। तो 5 को बुधवार, तो 19 को भी क्या हो गया, बोले बुधवार। पूछी कौन सी तारीख है, बोले सर पूछी तो 22 है, तो 19, 20, 21, 22 कितने दिन आगे जाना है, 3 दिन, तो बुधवार फिर 3 दिन आगे जाओ, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, यानी कि आंसर हो गया शनिवार, यानी कि सैटरडे, तो आंसर क्या हो गया आपका, सैटरडे। 4 क्वेश्चन हो गए, ये सारे 2019 में आए हुए क्वेश्चन है, प्रथम पाली, सेकंड पाली, सारे करा रहा हूँ आपको, डन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो ये आपके 4 क्वेश्चन डे वाइज दिए थे, डे वाले क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको, करा दिए। अब ये थे 2019 के, कुछ क्वेश्चन 2018 में आए थे, लेकिन 2018 में जो क्वेश्चन आए थे वो मंथ वाले आए थे, तो 2019 वाले हमने कर लिए, अब मैं आपको 2018 वाले कराऊंगा, ये मैं रफ कर देता हूँ, आई होप आपके समझ में आए हो। कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो मुझे उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना अभी हाथों, और स्क्रीनशॉट लेके मुझे आप मैसेज करना, मैं आपको वो एक्सप्लेन दोबारा कर दूंगा अलग से, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपनी कोशिश भर जो मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए सही है करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी आप लोगों को कोई डाउट रह जाए, मैंने आपको नंबर अलाउ किया है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ। इतना कर सकता हूँ कि अगर आप ऑनलाइन ना समझ में आए तो आप ऑफलाइन भी आ सकते हैं, ठीक है। मुझे मैसेज करिए, मैं जगह बता दूंगा आपको, आप आइए और आप आराम से ऑफलाइन भी मुझसे पूछ के समझ के जा सकते हैं, जिसकी आपको कोई फीस नहीं देनी, ठीक है। चले क्वेश्चन पे आते हैं अगले। तो 2018 में जो क्वेश्चन आया था जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, क्योंकि 2018-19 दोनों में मेरा एक जेल वार्डन में और एक नॉर्मल यूपी पुलिस में क्वालिफाई मैं कर चुका हूँ, यूपी पुलिस के, उस समय पेपर देने की बहुत आदत थी, हर पेपर देता था, तो इसलिए, लेकिन ज्वाइन नहीं करना था क्योंकि मुझे टीचिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो फिलहाल शुरू करते हैं, अच्छे पल थे वो भी। आपसे क्या बोला कि 1 अगस्त को बुधवार है, क्वेश्चन क्या दिया ध्यान से देखिए, ये 2018 में आया था बेटा प्रथम पाली में, 25-10 पेपर हुआ था, 25-10 मतलब हो गया अक्टूबर, 25 अक्टूबर को पेपर हुआ था। क्वेश्चन दिया उन्होंने 1 अगस्त को दिन है बुधवार, आपसे पूछा है 1 सितंबर को कौन सा दिन होगा। अरे आसान सा क्वेश्चन, अगस्त से सितंबर में जाने कोई तरीका नहीं, मैंने अभी आपको मंथ बदलना सिखाया, क्या बताया मैंने आपको, पहले महीना जो तारीख महीना दिया जाता है उसमें जितने दिन बचते हैं वो लिखते हैं, तो 1 अगस्त दिया, अगस्त कितने का होता है 31 का, साधन में नहीं आ रहा, देखो सितंबर, अप्रैल, जून, नवंबर, साधन में नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा मतलब 31 का है, और 31 का है तो 1 तारीख तो हो चुकी है, बच्चे कितने दिन 30, और 30 7 से बड़ा है, मैंने आपको बता रखा है कोई भी दिन 7 से बड़ा होता है उसे 7 से काट देते हैं, तो बचा कितना 30, 30 को 7 से काटो, 7 चौक 28 कितना बचा 2, तो मैं क्या लिखूंगा 2, अगस्त का क्या आ गया 2, कैसे आया 2, 1 अगस्त है, अगस्त में बचे 30 दिन, 30 को 7 से भाग कर दिया, 7 चौक 28 कितना बचा 2, मैंने क्या लिख दिया 2, और महीना कौन सा पूछा सितंबर, सितंबर के कौन सा तारीख पूछी है 1, तो 1 ही आ गया,
तो 2 और 1 कितना हो गया, 3। बस 3 दिन आगे चले जाओ तो बुधवार से 3 दिन आगे जाएंगे, बृहस्पत शुक्र शनिचर, आंसर हो गया शनिचर यानी कि सैटरडे यानी कि शनिवार। क्लियर, ये था 2018 का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 2018 का ही है, 2 क्वेश्चन आए थे उसी दिन उसी पाली में। क्वेश्चन था 1 फरवरी 2000 से लेकर 31 मार्च 2000 तक कितने दिन होंगे, टोटल दिनों की संख्या पूछी है और इन दोनों को भी मिलाना है। तो आपको पता है 31 फरवरी 2000 है, 2000 लीप ईयर है, तो फरवरी में कितने दिन होंगे, 29, एक को भी गिन लिया मैंने, 29 दिन हो गए। और जाना कहाँ तक है, 31 मार्च 2000 तक, तो महीना साल तो सेम ही है, बस 1 फरवरी से 31 मार्च तक जाना है, तो 31 ये आ गया, 29 ये है, 31 ये है, दोनों को जोड़ दो कितना हो गया 60, मेरा आंसर कितना हो गया 60। क्लियर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस जोड़ना था क्योंकि इन दोनों को भी जोड़ना है, 1 फरवरी को भी जोड़ना है, दोनों को मिलाकर पूछा था। तो 1 फरवरी 2000 29 की होती है तो 29 दिन, और 31 मार्च तक जाना है तो 1 से 31 दिन ही होगा, 31 29 दोनों को जोड़ दो, आंसर कितना हो गया 60 दिन। बस आपसे यही पूछा था टोटल कितने दिन होंगे, क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं दिख ही रहा होगा, दिखा रहा हूं मैं। ठीक, अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन क्या बोला उन्होंने, अगला क्वेश्चन उन्होंने बोला था ये 2018 में आया है, अगले दिन, ये 2 क्वेश्चन आए थे एक ही पेपर में एक ही पाली में, अब अगले दिन दूसरी पाली में आया है। क्वेश्चन है कि अगले कल के पहले का दिन, देखिए ये अगला टाइप है, कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको क्या करना है, क्वेश्चन साइड में दिख रहा है, इसे आपने आज मान लिया, सपोज करिए एक एरो बनाइए आज मान लिए, उसने बोला अगले कल के, अगर उसने बोला अगर कल के पहले का दिन, तो ये हो गया कल, ये आज है अगर, तो ये कल हो गया। यदि कल के पहले का दिन यानी कि आज क्या था, रविवार था, उसने बोला यदि कल के पहले का दिन रविवार था तो आने वाले कल के बाद का दिन क्या होगा। अब ये समझना पड़ेगा, देखो इसमें क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती यहाँ हो जाएगी बच्चों से, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, उसने क्या बोला, ये वाले कल की बात नहीं कर रहा है, ये संडे नहीं है, कल के पहले का दिन रविवार था तो पीछे वाले कल की बात कर रहा है, क्योंकि कल 2 होते हैं, एक आने वाला एक पीछे वाला, तो उसने बोला कल के पहले का दिन क्या था, रविवार था, तो इसकी बात करिए। और आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है तो आने वाले कल के बाद का दिन क्या होगा, तो ये कल के पहले का दिन क्या था, रविवार, तो आने वाला कल क्या होगा, ये आज है तो ये आने वाला कल हो गया, आने वाले कल के बाद का दिन ये पूछा है, तो ये संडे है तो ये मंडे, ये ट्यूसडे, ये वेनसडे और ये थर्सडे, आंसर क्या हो गया आपका थर्सडे। फिर से सुन लीजिए, यदि कल के पहले का दिन रविवार था तो कल के बाद का दिन क्या होगा, तो आने वाले कल के बाद का दिन क्या होगा, तो ये संडे है तो ये मंडे, ये ट्यूसडे, ये वेनसडे, ये थर्सडे, आंसर क्या हो गया आपका थर्सडे, यानी कि गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन साइड में दिख रहा है। अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है, शुक्रवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर छुट्टी थी। गणतंत्र दिवस क्या होता है, 26 जनवरी, ये पता होना चाहिए, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, यानी कि शुक्रवार को गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी को दिन दिया उन्होंने, क्या दिया है शुक्रवार दिया, छुट्टी थी। अगले महीने की 15 तारीख को फिर से छुट्टी का दिन है, अगला महीना क्या होगा 15 फरवरी, अगले महीने की 15 तारीख को फिर से क्या है छुट्टी का दिन है, ठीक है, इस 15 तारीख को कौन सा दिन होगा। अब देखो अगले महीने की 15 तारीख को छुट्टी का दिन है, ये आपको सिर्फ कन्फ्यूज करने के लिए दिया, इससे आपको कोई लेना देना नहीं, आपसे पूछा तो इस महीने की 15 तारीख को कौन सा दिन होगा, इस महीने की 15 तारीख को यानी कि 15 जनवरी को आपसे पूछा, ठीक है। अब 15 जनवरी कैसे निकाले, तो 26 से पीछे जाना है, मैंने अभी आपको डेट निकालना सिखाया था, छोटी तारीख से बड़ी में जाते हैं 7 का पहाड़ा जोड़ते हैं, और बड़ी में छोटी में जाते हैं 7 का पहाड़ा माइनस करते हैं, तो 26 से 14 में जाना, 15 में जाना है, क्या माइनस करेंगे, बोले सर 26 में से 15 पे तक जाना है तो हम 14 माइनस करेंगे, और 14 माइनस करेंगे तो तारीख क्या आ जाएगी बेटा 12, 14 12 26 होता है, आ गई। तो 26 तारीख को शुक्रवार है तो 12 तारीख को भी क्या हो गया शुक्रवार, क्योंकि 7 का पहाड़ा आप माइनस करो या प्लस करो दिन वही आ जाता है, तो 12 तारीख को क्या हो गया रविवार, पूछा कब है 15 को, तो कितने दिन आगे जाना है 13 14 15, 3 दिन आगे जाना है, तो शुक्रवार फिर 3 दिन आगे जाओ, शनिवार इतवार सोमवार, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा सोमवार यानी कि मंडे, क्या आंसर हो जाएगा आपका सोमवार यानी कि मंडे। एक बार क्वेश्चन फिर पढ़ लेते हैं अपन लोग, 8वां क्वेश्चन आपसे बोला था कि यदि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का दिन है, शुक्रवार है, और अगले महीने को भी वही तारीख है, हाँ ठीक है बेटा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सोमवार। आगे बढ़े, शुक्रवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर छुट्टी थी, शुक्रवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर छुट्टी थी, अगर महीने की अगले महीने की 15 तारीख को फिर से छुट्टी का दिन है,
अगले महीने के 15 तारीख यानी कि 15 फरवरी को क्या है, छुट्टी का दिन है। तो आपसे क्या पूछा, तो आपसे पूछा ये है, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है बेटा, एक मिनट रुकना। तो आपसे पूछा है इस 15 तारीख को कौन सा दिन होगा, इस 15 तारीख को कौन सा दिन होगा। 26 से 15 दिन आगे जा रहे हैं, 15 जनवरी को मंडे है, तो 15 में 7 जोड़ेंगे 22, मंडे हो जाएगा ट्यूजडे, ट्यूजडे फ्राइडे। ठीक है बेटा, आंसर आपका ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सोमवार। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोला यदि महीने का 8वां दिन शुक्रवार से 2 दिन पहले होता है। तो देखिए, महीने का 8वां दिन शुक्रवार से 2 दिन पहले होता है, तो शुक्रवार से 2 दिन पहले क्या आता है, बोले शुक्रवार से 1 दिन पहले बृहस्पतिवार और 2 दिन पहले बुधवार। तो यानी कि 8 तारीख को उन्होंने क्या दिया है, बुधवार दिया है। महीने का 8वां दिन शुक्रवार से 2 दिन पहले होता है, यानी कि बृहस्पति बुध, 8 तारीख को क्या हो गया, बुधवार। आपसे बोला तो महीने का 21वां दिन कौन सा होगा, यानी कि 21 तारीख को पूछ लिया। तो 8 तारीख को दिया है, 21 तारीख को पूछा है, तरीका आपको पता है क्या जोड़ेंगे, बोले छोटी तारीख से बड़ी तारीख में जाना है, तो 8 में जोड़ेंगे 14, तारीख क्या आ जाएगी 22। 8 तारीख को बुधवार, तो 22 को भी क्या हो जाएगा, बुधवार। पूछा किस में है, 21 में, तो 22 तारीख को बुधवार, तो 21 को क्या हो जाएगा, मंगलवार। मेरा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, मंगलवार। क्या आंसर हो जाएगा मेरा, मंगलवार। क्लियर। आखिरी क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा था, 10 ही क्वेश्चन पूछे थे, अब तक 10 क्वेश्चन आए यूपी पुलिस में, मैंने आपको सारे करा दिए। 10वां क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा था वो ये पूछा था, यदि 1 मई को मंगलवार है, आखिरी क्वेश्चन है ये, 1 मई को मंगलवार है, आपसे पूछा है तो 1 जून को क्या होगा, 1 जून को क्या होगा। ये भी आपका 2018 में आया क्वेश्चन। तो देखिए क्या करना है, 1 मई को मंगलवार है, तो मई कितने का होता है, 31 का, साधन में नहीं आ रहा, सितंबर अप्रैल जून नवंबर, साधन याद रखना नहीं आ रहा, तो 31 का 1 मई है, तो बचे कितने दिन, 30 दिन, 30 को 7 से भाग करेंगे, 7 चौके 28 कितना बचा, 2। और महीना कौन सा पूछा, जून का, जून की कौन सी तारीख पूछी, 1, तो 1 और आ गया, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3, 3 दिन आगे जाएंगे, तो मंगल से 3 दिन आगे जाएंगे, बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार, आपका आंसर हो जाएगा शुक्रवार यानी कि फ्राइडे। ये हो गया हमारा कैलेंडर का कॉन्सेप्ट खत्म। कैलेंडर के जितने क्वेश्चन पूछे गए थे मैंने आपको सारे करा दिए, क्वेश्चंस और भी होते हैं, टाइप्स और भी होते हैं, उसके लिए आप पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। लेकिन यूपी पुलिस में इससे पहले 2019 और 2018 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे मैंने आपको सारे करा दिए हैं। आई होप आपकी समझ में आए हो, कोई डाउट रह जाए तो मुझे सेंड कर दीजिएगा। आज के लिए इतने रखते हैं, कल मिलेंगे रोज रात 8 बजे की तरह, कल रात 8 बजे, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शिवरात्रि।